दैनिक जीवन में किसकी बचत करना है? अन्न, पैसा, बिजली, जंगल, पानी, कागज, पेंसिल। अन्न पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है, इसका कैसे प्रमाण हो सकता है? अन्न पानी के बगैर जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इनका महत्व समझ में आने पर उसकी बर्बादी न करने की कोशिश की जा सकती है, अतः बच्चों में जागरूकता लाना आवश्यक है। ताली में जूठन छोड़कर अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। भोजन बचा हो तो उसे अन्य भूखे गरीब लोगों में बांधकर सड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक वैसे ही पानी भी बेवजह न बहाकर हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वर्षा जल को संचित कर उसका उपयोग करना, पानी का पुनः प्रयोग करना आदि उपाय भी कारगर सिद्ध होंगे। अनाज की बचत कैसे कर सकते हैं? जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना परोसे। बचे हुए खाने को गरीबों में बांटा जा सकता है। अन्न कौन उगाता है और कहाँ? अन्न किसान खेतों में उगाता है। घर में पानी की बचत कैसे हो सकती है? दाल, सब्जी, चावल धोने के बाद निकला पानी पौधों में डालने से पानी की बचत कर सकते हैं। पानी का उपयोग कहाँ होता है? पीने, कपड़े धोने, नहाने और खाना पकाने में पानी का उपयोग होता है। अगर पानी न हो तो क्या होगा? जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। पैसों की बचत कैसे होगी? बच्चों, अपनी जेब खर्च से कुछ रुपए रोज बचाकर गुल्लक में डालकर पैसों की बचत कर सकते हैं। फिजूल खर्च कम करके पैसे बचाए जा सकते हैं। कागज़ के क्या उपयोग है? कागज़ लिखने के काम आता है। कागज़ के छोटे बैग बनते हैं। कागज़ की बचत कैसे होगी? नोटबुक पूरी भरने के बाद ही नई खरीदें। जितना कम कागज़ का उपयोग होगा उतने अधिक पेड़ कटने से बच जाएंगे। बिजली के क्या उपयोग है? बिजली के कारण हमें पंखों से हवा मिलती है और बल्ब से रोशनी मिलती है। बिजली की बचत कैसे होगी? दिन के समय लाइट बंद रखें, खिड़कियां खुली रखें, सूरज की रोशनी अंदर आने दें, वॉशिंग मशीन में कपड़े न सुखाएं, धूप में सुखाएं। समानार्थी शब्द लिखें। अनाज, अन्न, दुनिया, संसार, जीवन, जिंदगी, समय, वक्त, बारिश, बरसात, स्कूल, विद्यालय, विभिन्न, अलग। विलोम शब्द लिखे। आबाद, बर्बाद, अंधेरा, उजाला, दिन, रात।